हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा करेला। उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे 7 करेले लिए हैं। उसको ऐसे चीर लगा के इसका अंदर का गूदा सारा बीज वगैरह सब निकाल दिया है और इसको नमक लगा लिया है। अब हम इसको आधा एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। नमक लगाने से इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है और ये सॉफ्ट होते हैं और जल्दी पकने में मदद करते हैं। इसलिए इसको नमक लगा के आधे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। करेले का स्टफिंग बनाने के लिए हमें स्टफिंग बनाना है। उसके लिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मूंगफली, 4 टेबलस्पून सूखा नारियल और 2 टेबलस्पून तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। और अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। मिक्सी में पीसते समय इसमें ये 7-8 इमली के टुकड़े हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये गुड़ के 7-8 टुकड़े हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और फिर इसको एक साथ मिक्सी में इसको पाउडर बना लेंगे। मिक्सी में इसका पाउडर बना लिया है। अब हम करेले का स्टफिंग बनाते हैं। कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा चटकने देंगे। इसमें डालेंगे सूखा नारियल, मूंगफली और तिल, इसका मिश्रण डालेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, कलर के लिए हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये अच्छे से भून गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। हमने इमली डाली है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं तो आप नींबू का रस ना डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्टफिंग बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नमक लगे हुए करेले को मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से इसमें आप स्टफिंग भर ले। अच्छे से दबा दबा के स्टफिंग भर ले। इस तरह से सारे करेलों में स्टफिंग भर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे। और स्टफ किए हुए करेले उसमें रख देंगे। इस तरह से करेले को तेल पर रख दिया है। अब हम 2-3 मिनट तक इसको ढककर पका लेंगे। इस पर ढक्कन रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद इसको पलट के देखना है। अच्छी तरह से अलट पलट के पकने तक इनको ट्राई करना है। स्टफ करेला बनके तैयार हो गया है। एकदम चटपटे मसाले के साथ बनाया है हमने ये। आप इसे एक बार
जरूर बना के देखिए। थैंक यू।